हाथरस की घटना को लेकर लखनऊ नगर निगम वाल्मीकि संघ के लोग बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अपना ज्ञापन नगर आयुक्त को दिया। नगर आयुक्त के माध्यम से माननीय राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन पहुंचाने का कार्य किया गया। उसमें मनीषा वाल्मीकि के नाम से मार्ग बनाने का कहा है और पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। जो धनराशि 25 लाख दी गई है उसे 1 करोड़ रुपए किए जाने की मांग। हाथरस में जो कांड हुआ कुमारी मनीषा वाल्मीकि को लेकर आज हम लोग पूरे शहर के सफाई कर्मचारी सुदर्शन वाटिका महाजी और सुदर्शन वाटिका में श्रद्धांजलि रखी। श्रद्धांजलि के बाद हम लोगों ने महानगर आयुक्त के माध्यम से महामहिम जी राज्यपाल जी से मांग की है कि कुमारी मनीषा वाल्मीकि के नाम से हाथरस में रोड पार्क का नाम रखा जाए और एक प्रतिमा लगाई जाए और डीएम जो है हमारे जो हाथरस के डीएम है उनको तत्काल वहाँ से हटाकर निष्पक्ष जांच कराई जाए, ये मांग है हम लोगों। और जैसे सरकार आपकी बात नहीं आगे मानती है इसके जिसे आप ज्ञापन दिया है इससे कोई आगे कार्रवाई नहीं होती तो इसके आपके आगे का आपका क्या कदम? उसको लेकर हम लोग लखनऊ नगर निगम सफाई कर्मचारी संयुक्त मंच और भी हमारे संगठन जो लोग पूरे प्रदेश के लोग बैठ करके आपस में बातचीत तय करके फिर उसके बाद अगली रणनीति तय करके हम आपको जानकारी देते हैं।